माननीय प्रधानमंत्री जी लाहौरी दरबार से होते हुए प्रस्थान करते हुए, हर किसी का घर बना, अपनी भूमि पर बना, आज ज्योति भावना दे रही है सत्य में जय कहे, साथ में सजा के शब्द, सत्य में जय कहे, साथ में सजा के शब्द, सत्य में जय कहे, उत्कृष्ट परंपराओं वाला भारत। आप थोड़ी रुकेंगे यार, आपको जाना पड़ेगा, आगे नहीं जाएंगे। प्रकाश आस्था रखा हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी, श्रमयोगी को हमेशा विशेष सम्मान देते हैं। यहाँ एनसीसी के युवा कैडेट भी उपस्थित थे। आज कर्तव्य के श्रम साधकों के साथ खादी उद्योग में धागों का खूबसूरत ताना बाना बनते हथकरघा कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित पढ़ लिखकर विद्वान बनेंगे, वीर वीर बलवान बनेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे प्रिय स्वदेश की शान बनेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे प्रिय स्वदेश की शान बनेंगे। आज भारत की नहीं रहती बल्कि पूरे विश्व ने देखा इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री युवाओं के बीच युवा हो जाते हैं, सीढ़ियों को दौड़ कर लांग कर चढ़ते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में देश सेवा का हर अवसर समाज के प्रति हमारे ऋण को चुकाने में हमारी मदद करता है, और इन्हीं परंपराओं पर चलते हुए पिछले 7 दशकों से मानवीय संवेदनाओं एवं सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कर चरित्रवान युवा शक्ति को और मकबूल बनाते हुए नेशनल कैडेट कोर, कारगिल से कारगिल यांगलोंग तक, कोहिमा से कच्छ तक, लेह से लक्षद्वीप तक 17 निदेशालयों के युवा कैडेट को तराश कर देश के भावी नागरिकों को ना राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता नेशनल कैडेट कोर दुनिया का विशालतम युवा संगठन। देशवासी, हमारा देश भारत अखिल विश्व का चित्रमणि है। यहाँ सभ्यता मुस्काई, ज्ञान की ज्योति, विचारों की गहराई और भावों की ऊंचाई। सोने जैसा तन है दूसरा, चांदी जैसा देश, ऐसा है हमारा देश। शीर्ष हिमालय सोने से सागर चरण पखारे, बड़े बड़े तूफान हमेशा इसके आगे हारे। सत्य अहिंसा इसकी वाणी, पंचशील व्यवहार दुनिया भर को लुटा रहा है, घर घर अंजुरी प्यार। आदिकाल से देता आया शांति भरा संदेश, ऐसा है हमारा देश। आज यहाँ उपस्थित हर कैडेट मानव कह रहा हो, दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ऊर्ज दिले, आजाद की जैसी मस्ती हो। और अब माननीय प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए यहाँ हमारे बीच उपस्थित
श्रम योगियों और अन्य विशेष मेहमान कर्तव्य पथ के संसाधक उद्योग में भागों का खूबसूरत ताना बाना बुनते हथकर का कारीगर या भारत मंडपम को एक खूबसूरत कलाकृति में तब्दील करते जमीन हमारे यहाँ कहावत है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर पानी 1000 से अधिक भाषाएं अलग अलग परिधान हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इन सबको एकता के सूत्र में बांधता लौह पुरुष के सपनों का भारत बनाते माननीय प्रधानमंत्री भारत जो एक है भारत जो श्रेष्ठ है। आज देश के सभी प्रांतों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 2000 से अधिक मेहमान भी अपनी पारंपरिक भूषा में यहाँ पधारे हैं और उन सबका अभिवादन स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री 660 वाइब्रेंट विलेजेस के माननीय सरपंच भी आज विशेष अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करते हुए उन्हें समृद्ध एवं स्वावलंबी बनाना है। इस अभियान का आरंभ अरुणाचल प्रदेश की केपटू से हाल ही में किया है और आज किसान जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि का ऋषि मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि कृषि हमारे जीवन का सार संभालने के साथ साथ हमारे अन्नदाता हमारे जीवन को भी आगे बढ़ाते हैं। गांव यहाँ चिड़िया की चहक है मिट्टी की महक है प्रकृति का बंधन है राह चलते राही का अभिनंदन है पीपल की छाव है वही मेरा प्यारा सा गांव है। इसीलिए तो बापू ने कहा था असली भारत गांव में बसता है और बापू के सपनों के भारत निर्माण में निरंतर अपनी कार्यांजलि अर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उत्साह का समंदर उमड़ आया है और ऐसा लग रहा है जैसे चल पड़े हम सब विश्वास दृढ़ ले चाहे कितनी हो दुनिया लोक सत्ता कौन रखो चाहे लाख चुनौती जो हजारों सूर्य तपते वह तपन इस तन में है हम नया भारत बनाएंगे ये हमारे मन में है बढ़ रहे हम जिस प्रगति से वह नया इतिहास है भोर की किरणें हमारे साथ यह आभास है दूर करना तिमिर अब तक जो छिपा आंगन में है हम नया भारत बनाएंगे ये हमारे मन में है आज भारत सूर्य शक्ति जैसा चमक रहा है दूर दूर तक फैल रही है आज इंडिया की खुशबू आज हमारा देश एक हरा भरा गुलदस्ता बन के महक रहा है सूफी बगिया देशवासियों ऐसा आभास हो रहा है मानो हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा भारत हर नागरिक में नव निर्माण का उत्साह पैदा कर रहा है आज कठिन से कठिन अवस्था में भी देश मुस्कुरा रहा है क्योंकि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा लहू चाहिए यह आसमान भी आएगा जमीन पर बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हर देशवासी से मिलना उनके विचार सुनना अपने विचारों से बांटना इसी जनभागीदारी को एक नए चीज पर लेकर जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री कदमों में विश्वास 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का आंखों में चमक उनके उज्जवल भविष्य के सपनों हृदय में भारतवासियों के दिलों की प्रीत है निष्काम सेवा ही कर्मयोगी के जीवन की रीत है बाभारत का जयकार ही उनके जीवन का संगीत राष्ट्र की गौरव पताका के संवाहक मेरे तन मन में मेरी धड़कन में मेरी सांस में तू आवाज रहे मेरे तन मन में मेरी धड़कन में मेरी सांस में तू आवाज रहे हो मेरा वतन सबसे पहले मेरा सब कुछ तेरे बाद रहे मेरा सब कुछ तेरे बाद रहे हमारे शास्त्रों में कहा गया है निर्बंधु विस्मारण यानी कि स्वयं को श्रेष्ठ गुणों से कर्मों से स्वभाव से अलंकित करना हमारा कर्तव्य है और हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाए कर्तव्य चेतना से ओत-प्रोत करें जागृत करें ताकि देश एक नई बुलंदी ओर बढ़े
अमीर खुसरो ने कश्मीर की खूबसूरती बयां करते हुए कहा था, कर फिरदौस भर हुए जमीनस हमीरस्तो हमीरस्तो हमीर। एक बात ये नया भारत है जहां हमारा कश्मीर G20 का मेजबान है, जहां हमारा कश्मीर G20 का मेजबान है, जहां बेटियों की गौरवशाली पहचान है, किसानों का ऊंचा सम्मान है, सैनिकों का बुलंद साधना है और अंतरिक्ष की ओर बढ़ता हमारा चंद्रयान है। G20 के विश्व मंच से गूंजता हमारा कीर्तिगान है, क्योंकि हमारा शीर्ष व्यक्तित्व 140 करोड़ देशवासियों की पहचान। और आज वाकिफ जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए अपमान से, मानव संवेदनाओं के राष्ट्र निर्माण के नए स्तंभ करता भारत और नए भारत को भी हिस्सा दिखाने वाले जिनकी जीवन यात्रा महाभारत की साधना है, समर्पण की गौरव गाथा, हर शब्द राष्ट्र जागरूकता।